दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि सभी वैकेंसी के अपडेट लेकर हम आपके सामने आते हैं और उसमें आज बहुत खास अपडेट है आपके लिए जैसे कि बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देने के बाद और आंसर की भी आ चुकी है और अब वेट कर रहे हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा तो दोस्तों रेडियो ऑपरेटर के रिजल्ट पर एक जानकारी निकली है और ये ऑफिशियल जानकारी बिल्कुल एग्जाम सेंटर की लिस्ट आ चुकी है क्योंकि ऐसा होता है जब ऑफिशियल जानकारी होती है तो उसको सोशल करना जो होता है ना वो किसी भी प्रूफ के साथ वो बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जो भी लोग कार्यालय में काम करते हुए होते हैं उनकी भी नौकरी का मामला होता है तो क्या होता है कि वो जो जानकारी होती है वो कुछ जानकारी जो हमारे यहाँ से बच्चे होते हैं लगे हुए होते हैं उन विभाग में काम करते हुए होते हैं तो वो थोड़ा बता देते हैं इसी माध्यम से हम लोग आपको भी जानकारी देते हैं तो दोस्तों बात कर रहे हैं हम रेडियो ऑपरेटर रियल्ट डेट की ठीक है और वहीं पर फिजिकल लिस्ट और फिजिकल कब से शुरू होंगे और अब आपको दौड़ शुरू कर देनी ही चाहिए ठीक है और कट ऑफ की जो बात है कि कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर कट ऑफ क्या होनी चाहिए तो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कट ऑफ जो है मेरा एक वीडियो पहले से ही पड़ा है कट ऑफ के लिए वो कट ऑफ आप देख लीजिए ठीक है अब इसके रिज़ल्ट की बात करने वाले हैं परंतु तो रिजल्ट के आ, से पहले आप ये देख लीजिए कितने सेंटर बने हैं तो आठ जो हैं आपके फिजिकल आपके आठ फिजिकल सेंटर यानी कि आठ शहरों में जो है फिजिकल आपके होने वाले हैं जैसे कि वो पहला सेंटर क्या हो सकता है एक तो है कानपुर ठीक है आपका एक कानपुर बन रहा है एक आपका मेरठ बनना है समझ गया नहीं एक आपका बरेली हो रहा है मेरठ बरेली ठीक है कानपुर हो गया है मेरठ हो गया बरेली हो गया ठीक है आगरा आगरा ठीक है फिर आपका प्रयागराज प्रयागराज ठीक है तो कानपुर हो गया मेरठ हो गया बरेली हो गया कानपुर और आपका वाराणसी हो जाएगा इसके बाद कौन सा हो जाएगा वाराणसी हो जाएगा ठीक है फिर गोरखपुर आपका हो जाएगा गोरखपुर ठीक है गोरखपुर हो जाएगा तो कानपुर हो चुका है मेरठ बरेली आगरा और प्रयागराज वाराणसी गोरखपुर और एक आपका सेंटर हो जाता है लखनऊ ठीक है भैया तो ये जो हैं आपके सेंटर हैं जहाँ पर आपके फ़िज़िकल कराने हैं ये आठ सेंटर हैं कानपुर हो गया मेरठ हो गया बरेली आगरा प्रयागराज और वाराणसी गोरखपुर लखनऊ इन आठ सेंटरों पर जो है आपके फ़िज़िकल होने हैं अब बात करते हैं फिज़िकल कब होने हैं तो दोस्तों फिज़िकल कराने के लिए जो मांग की गई थी व्या की गई थी चार जून को परंतु तो जैसा आपको पता है कि अब चुनाव है और ए जून में ही चुनाव समाप्त हो रहे हैं तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि चुनाव में है आपके मतलब चुनाव के चलते जो है आपको फिजिकल करा दी जाए परंतु ये है कि जो सुनने में आ रहा है वो आ रहा है कि इसका जो रिजल्ट है इसका जो रिजल्ट है वो पंद्रह जो आपका रिजल्ट है वो पंद्रह मई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा यानी कि पंद्रह मई दो हज़ार तक आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा देखने को मिल रहा है और उसके बाद जो है लगभग 20 जून से लगभग 20 जून से जो है आपके फिजिकल शुरू हो जाएंगे कब से बीस जून से आपके फिजिकल जो है शुरू हो जाएंगे रही बात फिजिकल की तो फिजिकल में क्या है आपका मैं बताना चाहूँगा आपको जब वो पुरुष वर्ग हैं जो आपके पुरुष वर्ग हैं उसमें कितना है चार पॉइंट आठ किलोमीटर जो रनिंग है वो करनी है आपको अट्ठाईस मिनट में पूरी ठीक है साथ ही साथ दो पॉइंट चार किलोमीटर जो दूरी है वो करनी है आपको सोलह मिनट में कम्प्लीट ठीक है और ये जो कैंडिडेट हैं जो चार पॉइंट आठ किलोमीटर ये मेल कैंडिडेट के लिए हैं किसके लिए है मेल के लिए और ये आपके जो है फ़ीमेल के लिए है तो ये भी आपको याद रखनी है रनिंग अभी से दो शुरू कर दो क्योंकि रनिंग इतनी भी हल्की नहीं होती है क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा है कि जितने भी कैंडिडेट हैं जितने भी कैंडिडेट हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में भी और आपके दरोगा में बहुत सारे बच्चे जो है फ़िजिकल देने के बाद जो है सॉरी एग्ज़ाम निकालने के बाद ही फिजिकल में बाहर हुए हैं और इसमें जो होगा आपका सबसे पहला जो होगा आपका डी होगा डी होगा फिर उसके बाद जो है आपका फ़िजिकल होगा ठीक है इसमें ये है थोड़ा पहले डी वी पी एस हो जाकर फिर आपका क्या होगा फिजिकल होगा इसमें फिजिकल की भी तैयारी करा लेंगे और रिजल्ट के बहुत जल्द बाद जो है आपका डी बी और फिजिकल कराए कराएंगे ठीक है अब रही कट ऑफ की बात तो जो मैंने आपको कट ऑफ बताया था यानी कि क्या है कि 280 अभी मैं थोड़ा सा किलो दे रहा हूँ उसमें 280 से ऊपर प्लस वाले जो है वो कैंडिडेट सभी जो हैं वो सेफ हैं और वो अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं जिनके भी 280 क्वेश्चन सॉरी 280 अंक बन रहे हैं तो क्यों एक अगर पूरी डिटेल देखना चाहते हो ऑफ की तो वो हमने अपने चैनल पर डाल रखी है उसको जाकर देखिए बिल्कुल सेम उसी के बाद मतलब उसी के इर्द गिर्द आने वाली है आपके ऑफ कोई भी इसमें बदलाव नहीं होगा ठीक है तो अब फिजिकल के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए आठ स्थान हैं आठ सेंटर बनाए यानी आठ शहरों में जो है आपके फिजिकल होने वाले हैं और रही बात दौड़ने की तो देखो अभी से ही अगर दौड़ना शुरू करोगे आप थोड़ा थोड़ा तो तभी आप अच्छे से दौड़ सकते हो क्योंकि एक दो महीने की तो प्रैक्टिस आपको होनी भी चाहिए फिजिकल के लिए ऐसा नहीं है कि आपको जब डेट आ जाएगी उसी दिन से आपने दौड़ना शुरू किया है और पता चला कि दस से पंद्रह दिन के बीच में ही जो है आपके फिजिकल शुरू हो गए उस बीच में रिजल्ट के बाद में और पता चलता है फिर बाद में कि आप जो है फिजिकल में बाहर हो गए ठीक है और पूरी मेहनत जो करी थी इतने लंबे समय से इंतजार जो करा था उस सारे पर तुमने क्या कर दिया एक थोड़ी सी मेहनत थोड़ा सा इग्नोर थोड़ा था लालच की वजह से कि हम क्यों दौड़ें और उससे जो है आपने पूरी मेहनत बेकार कर दी तो इसलिए रिजल्ट को मैं बता रहा हूँ आपको कि पंद्रह से बीस मई यानी पंद्रह से बीस मई तक यानी कि पंद्रह तो मई से लास्ट पंद्रह ही पंद्रह से बीस मई तक कभी तक कभी भी आ सकता है ठीक है साथ ही साथ ये रहे कि बीस जून से जो है आपके फिजिकल स्टार्ट कर दिए जाएंगे अभी तक की जो खबर है वो यही है बीस जून थे क्योंकि चार जून की बात सुनने से थे तो जहाँ चार जून नहीं हो रहेगा वो कब होगा आपका वो बीस जून के बाद ही होगा ठीक है तो क्योंकि फोर्थ के तुम्हें पता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है चुनाव में तो इसलिए आपको भी आप थोड़े समझदार हो आप भी समझ सकते हो तो जिन बच्चों को भी लगता है कि हमें तैयारी करनी चाहिए तो वो तैयारी करेंगे ठीक है और जो चाहते हैं कि उनके लिए ये जो जानकारी थी वो बहुत सफिशियंट थी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे बाय लाइक ऑन कर देंगे तो मिलते हैं ऐसी अपडेट के साथ जब तक के लिए जय हिंद जवाहारत बंदे मातरम